भारतीय नौसेना को अब एक ऐसा एयरक्राफ्ट मिला है जिससे पाकिस्तान और चीन के होश उड़ जाएंगे। P-8I एयरक्राफ्ट आने से इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ गई है। भारतीय नौसेना को P-8I एयरक्राफ्ट के रूप में बड़ी सौगात मिल चुकी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में टोही विमान P-8I एयरक्राफ्ट में उड़ान भर कर जायजा लिया। इस दौरान रक्षा मंत्री ने इंडियन नेवी की जमकर तारीफ की। इंडियन नेवी की जो कॉम्बैट कैपेबिलिटी है और साथ ही कोऑपरेटिवनेस है, उसको कैतीक से देखा है। मैं कह सकता हूँ कि इंडियन नेवी के बारे में मेरा विश्वास पहले की अपेक्षा कहीं और बढ़ा है। ये देश की रक्षा करने में हमारी इंडियन नेवी पूरी तरह से सक्षम है। इसके बाद से एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट की खूब चर्चा हो रही है। आइए जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा और इसमें ऐसा क्या खास है जो भारत की सुरक्षा के लिहाज से बहुत कारगर माना जा रहा है। ये समुद्र ही नहीं, जमीन और हवाई निगरानी भी करता है। सीधी भाषा में कहें तो ये हवा में रहकर पानी की पनडुब्बियों पर बाज जैसी नजर रखता है और मौका पड़ने पर चीते जैसे उन पर हमला करने में भी सक्षम है। P-8I समुद्री निगरानी करते हुए दुश्मनों के जहाजों और उनकी पनडुब्बियों को मिसाइल से चंद सेकंड में तबाह कर देता है। P-8I एयरक्राफ्ट भारतीय नौसेना के बेड़े का एक अभिन्न अंग है। बेजोड़ समुद्री टोही और पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमताओं के अलावा P-8I को आपदा राहत और मानवीय मिशनों के दौरान सहायता के लिए तैनात किया गया है। इस विमान में कुल मिलाकर 9 लोग बैठ सकते हैं, 2 क्रू मेंबर होते हैं, बाकी मिशन के लिए काम करते हैं। P-8I एयरक्राफ्ट 9000 किलोग्राम वजन उठा सकता है। अब आपको बताते हैं कि P-8I एयरक्राफ्ट क्यों महत्वपूर्ण है। हिंद महासागर पर रणनीतिक तौर पर निगरानी रखने के लिए P-8I एयरक्राफ्ट बेहद अहम है। भारतीय नौसेना P-8 के लिए पहली अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक थी और P-8 का संचालन अमेरिकी नौसेना, रॉयल ऑस्ट्रेलिया वायुसेना, यूनाइटेड किंगडम की रॉयल एयरफोर्स करती है। इंडियन नेवी को अमेरिकी एयरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-8I मिला था। लद्दाख में चीन के साथ हुए संघर्ष के समय पोसाइडीन विमान को चीनी गतिविधियों की साफ तस्वीर लेने के लिए तैनात किया गया था। भारतीय नौसेना को कम से कम 6 और ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत है ताकि अपने आसपास की समुद्री और जमीनी सीमाओं पर नजर रखी जा सके। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश और दुनिया की खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म TV9 भारतवर्ष।